हेलो, हाँ क्या हाल चाल है यार? तुम उस दिन बता रहे थे ना कि तुम्हारे ऑफिस में एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो एक लड़की है मेरी नज़र में, बस यूँ समझ लो मेरी रिलेटिव ही है। सीवी भेज रहा हूँ मैं तुम्हें। एक्सपीरियंस तो नहीं है यार कोई ऐसा, लेकिन एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है उसका। शॉर्ट कोर्सेज भी किए हुए हैं उसने। तुम एक बार सीवी तो देख लो, काफ़ी इंप्रेसिव है। बस यार उसको मेरे बारे में ना बताना। अरे वजह मैं बता दूंगा, जब मिलेंगे ना तब बता दूंगा, लेकिन प्लीज तुम उसको आज ही बुला लो, लेकिन मेरे बारे में ना बताना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। चाय। शुक्रिया, लेता हूँ अभी। बख्तियार, जिस स्कूल में हम बच्चों के एडमिशन के लिए गए थे वहां की तो फीस बहुत ज्यादा है। हमने आसपास एक दो और स्कूल देखे, सोच रही हूँ हम बच्चों का एडमिशन वहीं करवाते। क्या समझ रखा है? शहर का सबसे महंगा इलाका है, स्कूल की फीसें आसमानों से बात कर रही हैं यहाँ। एक तो इतने सारे अखराज आते हैं, ऊपर से तुम लोग। आप फीस की फिक्र ना करें, उजाला जॉब ढूंढ रही है और उसके पास एक दो और ऑफर्स भी हैं, वो फीस दे देगी। और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो हम घर में ही ट्यूशन पढ़ा लेंगे। ट्यूशन पढ़ा लेंगे इस घर में? 2.5 माह बाद खाली करना है ये। मगर आपने तो कहा था कि हम इसी इलाके में कोई घर किराए पे देख लेंगे। हाँ सोचा तो था, मगर अभी पैसे नहीं है। मैंने कहा ना आपसे कि आप पैसों की फिक्र ना करें, मुझे उजाला पे पूरा एतमाद है। और अगर ये मुमकिन ना हुआ तो हम कोई ट्यूशन सेंटर खोल लेंगे, अल्लाह बरकत देने वाला है। तुम औरतों की अकल क्या कुटरों में होती है? पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता, वो भी तुम जैसी घरेलू औरतों के लिए। अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल के ख्वाब देखना छोड़ दो, और ये भी भूल जाओ कि तुम और उजाला मिलकर इतने पैसे कमा लोगी कि जिंदगी का मियार बेहतर हो जाएगा। कुछ और सोच लो। जो सोचा है वो बता तो दिया। मानेंगे कब आप? मानेंगे तो वही जो अम्मा कहेंगी।